डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो हमने देखा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी रेंज जो है, द रेंज ऑफ द टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज में ही है, फ्रॉम -35 to 42 डिग्री सेल्सियस. बट अगर टेम्परेचर 42 से ज़्यादा हुआ या 35 से कम हुआ तो हमें एक दूसरे थर्मोमीटर की जरूरत पड़ेगी जिसकी रेंज ज़्यादा हो. दैट थर्मोमीटर इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द रेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दिस लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस, राइट. जनरली ये लैब में ही यूज होता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए. सो लेट अस सी इन आवर एक्टिविटी हाउ कैन वी यूज दिस लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर. सो इन दिस एक्टिविटी इन योर बुक वी हैव अ बीकर इन विच वाटर इज हॉट वाटर इज फिल्ड up to 2/3 of the volume of the glass. So here the laboratory thermometer is dipped into it. The bulb of the thermometer should be into the water. It should be surrounded from all the sides. The bulb of the thermometer should be surrounded from all the sides of the water or any substance of which the temperature you want to measure. आप अगर यहाँ ध्यान दें तो इस एक्टिविटी में क्या होगा कि जब हम गर्म पानी के अंदर थर्मोमीटर को डिप करेंगे तो थर्मोमीटर के अंदर जो बल्ब के अंदर जो मरकरी है इट विल एक्सपेंड. जब ये एक्सपेंड होगा तो मरकरी विल स्टार्ट राइजिंग अप. कब तक राइज करेगा? जब तक कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ना आ जाए जो कि वाटर के टेम्परेचर से मैच करता हो. आफ्टर दैट, आफ्टर अचीविंग दैट टेम्परेचर, द राइज ऑफ द मर्करी इन द थर्मोमीटर विल स्टॉप. इमीडिएटली यू कैन मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मोमीटर. बट आपको एक बात का ख्याल रखना है कि थर्मोमीटर जो है बीकर से बाहर नहीं निकालना है. बीकर से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यू नो इट वेरी वेल, the mercury will fall down because temperature will now decrease and because of gravity also it will fall down. ठीक है. So हमें इन बातों का ख्याल रखना है इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, right. So now let us see the two points which we already have discussed, that the thermometer should be kept upright, not tilted, otherwise you will not be able to read the proper temperature. The bulb should be surrounded from all the sides of the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. Agar surface of the container ko touch karega to fir temperature thoda different hoga, surface ka temperature alag hoga. Theek hai, to hame ise dip karke rakhna hai. Ab aap ye dekhenge ki hame जो टेम्परेचर था थर्मोमीटर का डिप करते हुए ही मेज़र करना पड़ा, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है कि पेशेंट का टेम्परेचर डॉक्टर मेज़र करता है और क्या थर्मोमीटर निकाल के उसे हॉरिजॉन्टल रखता था थर्मोमीटर को और मेज़र करता था टेम्परेचर. ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये किंक मौजूद होती है, किंक प्रेजेंट होती है. दिस इज कॉल्ड किंक, दिस इज किंक. तो ये जो किंक है ये थर्मो मर्करी को एकदम से गिरने नहीं देता नीचे, ना ही ऊपर जाने देता है. जो टेम्परेचर है वही हम मेजर कर पाते हैं. इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते टाइम जो डॉक्टर हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर को थोड़ा सा हिलाते हैं, झटकते हैं, ताकि मर्करी जो है वो नीचे आ जाए. इज दैट क्लियर? सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो मर्करी हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं इट इज़ हाईली डेंजरस, हाईली पॉइजनस. There is a lot of concern over the use of the mercury in thermometer. Mercury is toxic substance. Neural disorders हो सकते हैं बॉडी में चला जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है.
सो दीज डेज वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर्स। तो डिजिटल थर्मोमीटर जो है ऑब्वियसली दे यूज द सेल और बैटरी, लेकिन ये कैसे मेजर करते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नीचे आप देखेंगे कि ये जो बल्ब बना हुआ है, ये जो बल्ब बना हुआ है ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो आपका, सॉरी नॉट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट इज पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज यूज्ड। पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जितनी भी हीट एनर्जी हमारे पास आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट जनरेट होता है, और करंट के हिसाब से वो जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर बता देता है कि कितना टेम्परेचर होगा। सो दैट इज हाउ दिस डिजिटल थर्मोमीटर मेजर्स द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। नाउ देर इज वन क्वेश्चन इन योर बुक, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। सो सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें, सिमिलैरिटीज की बात करें तो दे बोथ रीड थर्मोमीटर रीड द टेम्परेचर, दे आर बोथ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, एंड यू कैन मेजर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इन बोथ टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एज वेल, दे बोथ यूज मर्करी। यू कैन राइट दे बोथ यूज मर्करी। इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, देन द डिफरेंसेस इज कि जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है इट इज यूज स्पेशली फॉर ह्यूमन बॉडी, वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर इट इज यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। इट हैज किंक इन इट, इट डज नॉट हैव एनी किंक, दैट इज अनदर डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस यू कैन फाइंड द रेंज, इट्स रेंज इज फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, there is the range of the laboratory thermometer is from -10 to 110 degree Celsius. So this is the first question in your exercise. You have to write similarities and differences, and that's all for this video. In the next video we'll talk about the transfer of heat, right?